फ्रेंड्स, बिना की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मछली वाला डोरमेट लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ 8 नंबर की सिलाई ली है और ये 3 कलर की ऊन ली है। तो पहले हम फर्स्ट कलर से यहाँ हमें 23 फंदे डालने, तो एक नोट बनाकर मैंने डाल दिया है और ये बाकी 22 फंदे डालने हैं। 2, 3, 4, 5, 22 और ये 23 फंदे। अब ये उल्टी साइड है, इसे पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। मैं यहाँ डबल कलर डबल धागे से बना रही हूँ। आप चाहें तो पुरानी चुन्नी या पुरानी साड़ी से भी बना सकते हैं, और अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा फंदे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 23 फंदे डाले हैं, आप 27 या 31 ऐसे, 33 ऐसे, जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से फंदे डाल सकते हैं। फंदे हमें बेजोड़ डालने हैं क्योंकि बीच का डिजाइन जो हमारा मछली वाला डिजाइन है वो एक एक फंदे से शुरू होगा। पहली सिलाई में थोड़ा फंदे टाइट रहते हैं, इसलिए थोड़ा ढीला करके बुनना है। अब ये दूसरी सिलाई है, इसे भी पूरा पहला फंदा बिना बुने उतारना है और पूरी सिलाई उल्टी बुनकर कंप्लीट कर देनी है। इस तरह ये हमारी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। तो टोटल हमें ये 6 सिलाइयाँ बनानी हैं उल्टी उल्टी। तो मैं आपको 6 सिलाइयाँ पूरी बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुने उतारना है हर बार दोनों साइड से, और सारी सिलाइयाँ हमारी उल्टी ही बनेंगी। देखिए फ्रेंड्स, 6 सिलाइयाँ मैंने उल्टी उल्टी बुनकर यहाँ कंप्लीट कर ली। अब हमें क्या करना है, ये हमारी उल्टी सिलाई है, पहला फंदा बिना बुने उतारा और 10 फंदे उल्टे बुन देने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह हमने ये आधे फंदे इधर और एक फंदा छोड़ के आधे फंदे इधर रखने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फंदे हमने ये बना लिए। एक फंदा बिना बुने उतारा और 10 फंदे उल्टे बनाए। अब यहाँ हमें क्या करना है, दूसरा कलर लगाना है। मैं व्हाइट कलर लगा रही हूँ, व्हाइट कलर से यहाँ एक फंदा उल्टा बनाना है। फिर बाकी जो हमारे पास 11 फंदे बचे हैं उन्हें ब्लैक कलर से बना देना है। तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस और ये 11। और ये सीधी साइड है, सीधी साइड में जो फंदे जिस कलर से हैं उन्हें उसी कलर से बनाना है। तो एक पहला फंदा उतार दिया और बाकी फंदे हमें
10 फंदे उल्टे बनाने हैं, तो टोटल हमारे पास ये 11 फंदे हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। धागा पीछे किया और वाइट कलर को आगे लाए, धागा ऐसे क्रॉस करके हमें इधर ले जाना है और इसको नीचे से ऐसे लेकर आगे ले आना है और एक फंदा उल्टा बना देना। फिर धागा पीछे करना है और ब्लैक कलर को आगे लाना है और 11 फंदे उल्टे बना देने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। फिर उल्टी सिलाई में अब हमें यहाँ एक फंदा कम करना है। तो पहले हमने 11 फंदे बनाए, अब हमने 10 फंदे बनाने हैं। तो एक फंदा ये बिना बने उतारा और बाकी फंदे उल्टे बनाने हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। फिर इस फंदे को अब हमें व्हाइट बनाना है व्हाइट कलर से, तो धागे को इधर करना है, इसको आगे लेकर 1, 2 और एक फंदा इधर से लेना है, 3 फंदे। 3 फंदे हमें व्हाइट कलर से बना देने हैं और बाकी फंदे ब्लैक कलर से बना देने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और सीधी तरफ जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बनाने हैं। ये उल्टी साइड में पहला फंदा बिना बने उतारना है और 9 फंदे टोटल हमने ये ब्लैक कलर से बनाने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक एक फंदा हमारा दोनों साइड व्हाइट कलर से बन जाएगा। तो अब हमारे पास 1, 2, 3, 4 और ये एक ये ब्लैक वाला हमने व्हाइट कलर से बनाना है। 5 फंदे व्हाइट के हो गए और बाकी फंदे हमने ब्लैक कलर से बनाने हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सीधी तरफ जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बनाने हैं। तो इस तरह हमें व्हाइट कलर से एक एक फंदा इधर बढ़ाते जाना है और एक साइड से भी व्हाइट फंदा इधर बढ़ाते जाना है और व्हाइट कलर से एक एक फंदा इधर बढ़ाते जाना है। तो मैं ये 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हो गए हमारे पास, तो मैं 9 फंदे बनाने तक आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब व्हाइट कलर से हमारे पास ये 9 फंदे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। और ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे ब्लैक कलर के बचे हैं दोनों साइड में, इधर भी 7 फंदे और इधर भी 7 फंदे। अब उल्टी सिलाई में हमें क्या करना है, 6 फंदे हमें ब्लैक कलर से बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब यहाँ हमें तीसरा कलर ऐड करना है, तीसरे कलर से एक फंदा ये ब्लैक वाला बनाया और बाकी जो व्हाइट फंदे हैं सारे 9 फंदे हमें तीसरे कलर से बनाने हैं। तो एक फंदा ये हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक फंदा यहाँ से ब्लैक का हमें तीसरे कलर से बनाने हैं, 11 और बाकी फंदे ब्लैक कलर से बनाने। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। और सीधी साइड में जो फंदे जिस कलर से हैं उन्हें उसी कलर से बना देना। पहला फंदा बिना बुने उतारा और ब्लैक वाले फंदे ब्लैक से बनाने हैं। धागा पीछे किया, रानी कलर को आगे लाए और
11 फंदे इस कलर से बना दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 धागा पीछे ब्लैक कलर को आगे लाए और बाकी 6 फंदे ब्लैक कलर से बना देने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 धागा पीछे किया। अब हमें क्या करना है, 2 सिलाई हमें इस कलर से बनानी है, 2 वाइट से, 2 फिर रानी कलर से, फिर 2 वाइट से, और दोनों साइड एक एक फंदा ब्लैक का हमें इधर बढ़ाते जाने हैं। तो एक सिलाई में आपको और दिखाती हूँ, पहला फंदा बिना बुने उतारा और 3, 4 और 5 फंदे हमारे ब्लैक कलर से बन गए। फिर अब यहाँ हमें वाइट कलर लगाना है, अब एक ब्लैक का हमें वाइट से बुनना है और ये बाकी फंदे भी हमें वाइट कलर से बनाने हैं। एक तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 13 फंदे हमारे ये वाइट कलर से हो गए, बाकी फंदे हमें फिर ब्लैक कलर से बनाने हैं। 3, 4 और 5 सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर से हैं उनको उसी कलर से बनाने हैं। तो अब मैंने यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 फंदे हो गए हमारे पास। तो यहाँ 17 फंदे हमें यहाँ तक हमें बढ़ाते जाना है, 2 सिलाई हमें इस कलर की बनानी है और 2 इस कलर की। तो जब हमारे पास ये 3 फंदे इधर 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये बच जाएंगे, तब तक मैं यहाँ तक आपको ये बढ़ाकर ये सिलाइयाँ बनाकर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास ये ब्लैक कलर के 3 फंदे इधर रह गए हैं और 3 फंदे इधर, और बाकी हमने यहाँ एक एक फंदा दोनों साइड बढ़ाते हुए 17 फंदे हमने बीच में ये बुन लिए हैं। अब उल्टी सिलाई में हमें क्या करना है, अब हमें रानी कलर से, पहले हम एक एक फंदा इधर बढ़ा रहे थे दोनों साइड, अब एक एक फंदा हमें कम करते जाना है। पहला फंदा बिना बुने उतारा और 1 और 2 एक फंदा हमें यहां से इधर बढ़ाना है और यहाँ एक एक फंदा अब हमारा कम होता जाएगा। अब हमें ये इस कलर से बनाना है ये सिलाई पूरी, जितने फंदे हमारे पास व्हाइट कलर के बचे हैं उन्हें इस कलर से बुनना है। अब एक फंदा हमें ये ब्लैक कलर से बुन देना है। तो इस तरह हमारे पास इधर एक एक फंदा बढ़ता जाएगा दोनों साइड में। अब सीधी तरफ जो फंदे जिस कलर से हैं उन्हें उसी कलर से बनाना है। तो एक फंदा उतारा, धागा आगे किया और 3 फंदे उल्टे बना दिए, फिर ब्लैक कलर को पीछे किया और इसको आगे लाकर जो फंदे इस कलर से हैं उन्हें इसी कलर से बुन देना है। 3, 4 फिर उल्टी साइड में पहला फंदा बिना बुने उतारा और 1, 2, 3 और 1 फंदा हमने यहाँ से लेना है। तो ये 4 फंदे हमारे ब्लैक कलर के हो गए। अब हमें यहाँ व्हाइट कलर नहीं लगाना है, व्हाइट कलर को हमें आगे जरूरत पड़ेगी तो इसे आगे ले जाते जाने हैं। पिंक कलर से हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
दस, 11, 12 और ये 13 फंदे हमें इस कलर से बनाने हैं, रानी कलर से। फिर ब्लैक कलर से बाकी फंदे बुन देने, 1, 2, 3, 4 और ये 5। और फिर राइट साइड में सीधी सिलाई हमें पूरी जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बनाना है। तो इस तरह हमें ब्लैक के एक एक फंदा हमें इधर बढ़ाते जाना है, इस साइड से भी एक एक फंदा ब्लैक से बनाना है और इस साइड से भी। तो जब हमारे पास यहाँ 5 फंदे बच जाएंगे इस कलर के, तब तक मैं आपको बुन कर दिखाती हूँ। पहला फंदा हर बार हमें सीधा ही उतारना है और बाकी सारे फंदे उल्टे बुनने हैं जो जिस कलर से हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास इस कलर के 5 फंदे बचे हैं और बाकी हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे इधर और 9 फंदे इधर हमने ये ब्लैक कलर से बना लिए हैं, एक एक फंदा इधर बढ़ाते हुए दोनों साइड से। और ये 5 फंदे हमारे पास बचे हुए हैं। अब उल्टी सिलाई में हमें क्या करना है, इस कलर को अब हमें यहाँ कट कर देना है। अब हमें व्हाइट कलर से बनाना है तो इस कलर को यहाँ काट देंगे, उसको हटा देंगे। अब यहाँ ब्लैक कलर से एक फंदा बिना बुने उतारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फंदे हमने ब्लैक कलर से बनाने और व्हाइट कलर से इधर हमें एक एक फंदा बढ़ाते जाने हैं। तो एक फंदा ये लिया और 5 फंदे हमारे पास ये बचे हुए थे, इन्हें 5 फंदों को व्हाइट कलर से बना देना है। तो 2, 3, 4, 5, 6 और एक फंदा हमें फिर यहाँ से ब्लैक कलर का लेना है। तो हमारे पास ये 5 फंदे थे, अब एक फंदा इधर बढ़ाए, एक इधर, तो हमारे पास ये 7 फंदे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और बाकी फंदों को हमें ब्लैक कलर से बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। सीधी तरफ से जो फंदे जिस कलर से हैं उन्हें उसी कलर से बनाना है। तो 8 फंदे हमने इस ब्लैक कलर से बनाने, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। फिर धागा पीछे किया, व्हाइट कलर को आगे लाना है और 7 फंदे व्हाइट कलर से बना देने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर धागा पीछे किया और ब्लैक वाले फंदे ब्लैक कलर से बना देने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। फिर उल्टी सिलाई में हमें अब हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे ब्लैक कलर से बनाने और इस फंदे को व्हाइट कलर से बनाना है। तो पहला फंदा बिना अपने उतारा, धागा आगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर इसको हमें व्हाइट कलर से बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये के यहाँ से ब्लैक कलर का हमें व्हाइट कलर से बनाना है। तो ये 9 फंदे हो गए और फिर हमारे पास बचे 7 फंदे ब्लैक कलर के, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो फ्रेंड्स, 4 फंदे फिर मैं इधर और 4 फंदे इधर, तो हमारे पास हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 फंदे व्हाइट कलर से बनाने और ब्लैक कलर से हमारे पास 5 फंदे बच जाएंगे। तो मैं ये 2 फंदे इधर से और 2 ये 4 फंदे और आपको बढ़ाकर दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, ये चार फंदे भी मैंने यहाँ बढ़ा लिए हैं। अब हमारे पास यहाँ ब्लैक कलर से एक दो तीन चार और ये पांच फंदे बचे हैं, और 13 फंदे हमारे पास ये व्हाइट कलर से हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और पांच फंदे फिर इधर ब्लैक कलर के बचे हैं। अब हमें क्या करना है, ये हमारी मछली की टेल बन गई है। अब उल्टी सिलाई में हमें सारे फंदे ब्लैक कलर से बना देने हैं। एक फंदा बिना अपने उतारा और बाकी सारे फंदे हमें ब्लैक कलर से बनाने हैं। व्हाइट कलर को यहां हमें काट देने हैं। अब सारे फंदे ब्लैक कलर से बनेंगे। इस फंदे को ऐसे, इस धागे को ऐसे दबाते जाना है। सीधी साइड पहला फंदा बिना बुने उतारा, बाकी सारे फंदे उल्टे बुन देने हैं। इस तरह हमें, जैसे हमने यहाँ ये 6 सलाइयाँ बनाई थी उल्टी उल्टी, उसी तरह यहाँ भी हमें ब्लैक कलर से 6 सलाइयाँ उल्टी उल्टी बनानी है। तो दो सलाइयाँ मैंने बना ली हैं और 4 सलाइयाँ मैं और आपको बुनकर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 6 सलाइयाँ मैंने यहाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब ये यहाँ, अब हमें क्या करना है, सारे फंदे बंद करने हैं। तो दो फंदों का एक करते हुए हमें सारे फंदे घटा देने हैं। दो फंदों का एक किया, फिर इस फंदे को वापस लिया और इन दो फंदों का एक कर देना है। फिर इस फंदे को वापस इस सिलाई में लेना और एक फंदा ये इन दो फंदों को एक साथ बुनकर एक फंदा कर देना है। तो इस तरह हमें सारे फंदे बंद करने हैं, दो दो फंदों का एक करते हुए। इस फंदे को वापस लिया और एक फंदा यहाँ से लिया, दो फंदों को एक साथ बुन देना है। अभी हमारे पास एक फंदा बच गया। इसे ऐसे एक बार भून के धागे को ऐसे टाइट कर देना है। फिर इस धागे को यहाँ कट कर देना है। बाद में हम इस धागे को इधर ऐसे छुपा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये मछली वाला पायदान यहाँ बनके तैयार हो गया। यहाँ मैंने ब्लैक कलर से इसकी आंख बना दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी ये पायदान बनाकर देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये मछली वाला पायदान डिजाइन कैसे लगा। थैंक यू।